हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक्स लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। दोनों फैब्रिक्स मैंने यहाँ पे 1 1 मीटर लिए हुए हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 4 में लिया हुआ है। हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो फोल्डेड एरिया से मैं लूँगी शोल्डर का पार्ट 5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी 5 इंचेस। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसे डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीविंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ है मेरी 9 इंचेस, 1 इंच मैंने सिंगल अलाउंस के लिए ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को बस मिला देना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैंने ये आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 3 इंच। अब यहाँ पे राउंड शेप बनाएंगे हम, तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से ये मुझे फ्रंट और बैक के लिए मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब ये फैब्रिक को मैंने फिर से 4 4 में लिया हुआ है। अब हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे, तो सबसे पहले ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हम मार्क कर लेंगे। अब यहां से मैं लेंथ लूंगी 13 इंचेस, ये होगा हमारा बॉटम का ऊपर का लेयर। अब यहां से क्रॉस में बस हमारी लेंथ तक हमें इसे एक्सटेंड कर लेना है, तो इसे हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है फ्रंट और बैक के लिए। अब मैंने इसी तरह से दूसरा बॉटम कट किया हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने इंक्रीज की हुई है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 17 इंचेस। तो जैसे हमने ये कट किया था, इसी तरह से हमें प्रिंटेड फैब्रिक भी कट कर लेना है। अब ये देखिए, टॉप का पार्ट हमने जो कट किया था उसी शेप में मैंने बेस का फैब्रिक भी कट कर लिया है, सीधा उसे रखते हुए। अब इसमें से हमें बैक का पार्ट सेपरेट करना है और इसे मैं 2 फोल्ड करूंगी। अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हम इसे दोनों फैब्रिक को मैंने साथ में लिया है, बेस फैब्रिक और मेन फैब्रिक, बैक का पार्ट है ये हमारा। अब यहाँ से हमें कट लगानी है, यहाँ पे हम चेन लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम कट लगाएंगे। ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसका बॉटम है ये हमारा, उसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। इसे 2 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। तो फोल्डेड एरिया से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से हल्का सा मैं क्रॉस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट लगा दी है। तो ये जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसे हमने इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें उल्टा रखना है, दोनों को अच्छे से मैच करना है। उसके बाद ये हमारा नेक पार्ट में
और यहाँ पे ये जो हमने कट लगाया था, और हमारे आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से दूसरे पार्ट को भी मैंने अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे हमारे नेक पार्ट और आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट, राइट पार्ट है, उसके ऊपर बेस फैब्रिक को मैंने उल्टा रख दिया है। अभी हमारा आर्म होल, नेक पार्ट और ये हमारा दूसरा आर्म होल है, उसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें हल्के हाथों से नॉचेस लगाने हैं। तो जहाँ पे भी मैंने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है फिटिंग के लिए। तो इसे हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। उसी तरह से हमें सभी पार्ट्स को राइट साइड पर टर्न कर लेना है और यहाँ पे हम प्रेस लगा सकते हैं ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए मैंने तीनों पार्ट्स को राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब ये मैंने चेन ली हुई है जिसे हमें ओपन करनी है और हमें इसके ऊपर बस इसे रख के हमें सिलाई लगानी है। ऊपर से हम कवर सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा के यहाँ पे चेन को फिक्स कर देना। ये देखिए हमने सिलाई लगा के फिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। अभी हमारा राइट पार्ट है बैक का, उसके ऊपर में फ्रंट का पार्ट है हमारा टॉप का, उसे उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने स्लिट बनाई थी उसे हम तैयार करेंगे। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो यहाँ पे भी मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करूँगी और नीचे तक हमें डबल फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से यहाँ इस तरफ भी हमें डबल फोल्ड करना है दोनों तरफ से। ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया था उसके ऊपर हम इसे अरेंज करेंगे। तो इसे हमें इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे हम पूरी ब्रॉडनेस में सिलाई लगा के दोनों को साथ में ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से ये हमारा बैक का बॉटम है, उसके ऊपर हम ऊपर की लेयर को रखेंगे और यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लूँगी। अब ये देखिए हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है इस तरह से और यहाँ पे हमें पूरी ब्रॉडनेस में सिलाई लगानी है। उसी तरह से जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम फ्रंट के बॉटम के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद दोनों को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे मैं 1 इंच के गैप पे सिलाई लगाऊंगी नीचे तक और इस तरफ भी हमें बस 1 इंच के गैप पे सिलाई लगानी है नीचे तक। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें इसे इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और इसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये देखिए हमारे पास गोल्डन कलर के पेज है रेडीमेड। आप कोई भी फ्लावर या कुछ भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से अरेंज करेंगे।
और यहाँ पे आप इसे फैब्रिक ग्लू से या फिर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे फिक्स कर दिया है फ्लावर्स को, और इसी के साथ ही हमारा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से आप डिज़ाइनर ड्रेस तैयार कर सकते हैं अपने घर पे ही। सो गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर ड्रेस। गाइस, अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारा आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।